हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए जो ये वीडियो लाई हूँ दोस्तों, तो हमेशा मैं आपको अपना नीचे जो मेरे घर के सामने लॉन है या फिर मेरा जो गार्डन है वो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पर। तो दोस्तों, ये मेरी आगे एक छोटी सी बालकनी है या बरांडा आप कह सकते हैं छोटा सा। तो मैंने वहाँ पर क्या कुछ लगा रखा है या कौन कौन से मेरे प्लांट्स हो रहे हैं, आज आपको मैं उन्हीं को दिखाने के लिए लाई हूँ। तो ये एक छोटा सा स्टैंड है, उसमें मैंने कुछ जिरेनियम, कुछ क्रेसुला के गमले लगा रखे हैं। तो ये मेरे हैं फेस प्लांटर्स, और जो ये आप लेडीज़ के देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गमले हैं दोस्तों। ये क्रेसुला का एक प्लांट लगाया है मैंने इसमें, और ये भी काफ़ी हार्डी होता है और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लकी होता है अगर पैसे को अपनी तरफ खींचता है, पर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो ये सब जेड प्लांट्स हैं, तो ये काफ़ी हार्डी होते हैं, इसमें पानी की रोज़ देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के जो गमले हैं उनमें आप इस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि जो आपके प्लांटर्स हैं वो भी ना ख़राब हो और रोज़ रोज़ आपको जैसे कि ऊपर है तो पानी देने की भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये जिरेनियम्स हैं और इसमें कोलियस और कलांचूज लगे हैं, और इस साइड लेकर आई हूँ तो यहाँ पर जो मेरे ये हैंगिंग पॉट्स हैं इसमें गजेनिया हो रखा है और ये भी कुछ गजेनियाज हैं। तो दोस्तों, आजकल देहरादून में हमारे धूप जो है बहुत बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत मरी मरी सी धूप है। तो ये देख ही रहे होंगे आप, गजानिया के जो फ्लावर्स हैं वो पूरी तरह से नहीं खिले हैं क्योंकि इनको फुल सनलाइट चाहिए होती है, इसीलिए मैंने इनको ऊपर रखा था। लेकिन जो बारिश 3-4 दिन रही उसके कारण जो धूप जो है, आजकल बहुत ठंडी ठंडी धूप है, मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, तो ये देखिए पूरी तरह से खिल भी नहीं पाए। तो ये जब कलियाँ खिल जाती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज जो है ये नहीं खिली हैं। यहाँ पर कुछ एडेनियम्स रखे हुए हैं क्योंकि अभी ये भी डोरमेंट हैं, और अब धीरे धीरे जैसे फरवरी मार्च आएगा तो इसमें नई लीव्स आएंगी, नए फ्लावर्स आएंगे। तो अगर आपने भी लगा रखे हैं तो इसमें अब खाद पानी दे दीजिए जिससे कि वो उनमें थोड़ा सा एनर्जी आ जाए। और जो ये आप सारे मेरे बोगनवेलियास दोस्तों देख रहे हैं, ये सब हाइब्रिड हैं और इनका जो पॉट साइज़ है ये 10 से 12 इंच के गमले में मैंने इनको लगाया है। तो ये 2 साल मेरे पुराने हैं, पिछले साल मैंने इनको ग्रो करा था और ये पूरा साल भर फूल देते रहते हैं, मतलब 1-2 महीने नहीं देंगे लेकिन फिर आते रहते हैं। तो मतलब इसमें कभी भी फूल ख़त्म नहीं होते हैं। आमतौर पर जो बोगनवेलियास होते हैं वो साल में 2 या 3 बार खिलते हैं और उसके बाद वो मतलब बहुत लंबी सी बेलें हो जाती हैं या बहुत वाइल्डली बढ़ते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बहुत ही छोटे करे हुए हैं, वैसे तो इनकी मैं प्रूनिंग कम ही करती हूँ क्योंकि ये जो है हाइब्रिड है तो छोटे ही रहते हैं, लेकिन जैसे कि फ्लावर जब स्पेंट हो जाए तब आप उसको वहीं से कट कर दीजिए तो नई नई जो ब्रांचेज हैं उसमें आ जाएंगी और फिर जो हमारा पौधा है वो भी बुशी हो जाता है। और जो ये नीचे की साइड आप सारी मेरी ट्रेस देख रहे हैं, इनमें मैंने लगाया है पिटूनिया। तो पिटूनिया में दोस्तों अब फ्लावरिंग होनी शुरू हो रही है, लेकिन मैं उनको क्या करती हूँ, पिंच कर देती हूँ क्योंकि जो हमारा पौधा है वो उससे बुशी भी हो जाएगा और अभी मुझे इसमें फ्लावरिंग लेनी भी नहीं है क्योंकि जब तक पौधा फुल ग्रोथ में ना हो उसका जो फ्लावर है वो लेने में बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि 1-2 फूल खिलेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं इनको तोड़ती रहती हूँ, ऊपर से पिंच कर देती हूँ जिससे कि जो पौधा है अपनी पूरी एनर्जी फुल ग्रोथ पौधे को ग्रो करने में लगाए और फिर फ्लावरिंग हम अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, तब वो हज़ारों की संख्या में फूल आते हैं। इतने भरे हुई बास्केट्स होती हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए डेजी का पहला फूल खिला है, उसी तरह से पेंसी खिला था, तो अब ये पूरा जो पौधा है अपनी ग्रोथ में ले लिया है। तो ये जैसे आप ट्रे देख रहे हैं तो इसमें मैंने 3-3, 4-4 सैपलिंग्स लगा दी थी, तो पूरे जो ट्रे है उसने पौधे ने उसको कवर कर लिया है। और ये सब है पिटूनिया, तो इसमें सिर्फ 1-1 सैपलिंग है और ये भी अभी ग्रोथ पे है दोस्तों। इसकी भी मैं पिंचिंग कर करके इनको बहुत ज़्यादा बुशी बना रही हूँ, तो आप देख ही रहे होंगे साइड की अभी जगह बाकी है, तो इसने पौधे ने अपनी ग्रोथ अभी लेनी बाकी है। नीचे की साइड आप देख रहे हैं ये गुड़हल है दोस्तों, ये भी हाइब्रिड गुड़हल है, लेकिन आजकल सर्दियों में इसका डोरमेंट पीरियड होता है तो फूल तो खिल रहे हैं लेकिन उतने अच्छे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं जितने इसके गर्मियों में आते हैं, तो क्योंकि अभी इसका सीज़न ही नहीं है, लेकिन फूल वो दे रहा है क्योंकि हाइब्रिड है तो छोटे में वो देता रहता है, लेकिन फूल का उतना ना तो साइज़ है ना उतने अच्छे कलर्स हैं इसके। और ये एक सक्यूलेंट की वेराइटी है, आपको एक बस जस्ट आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये जो हैंगिंग बास्केट्स में मैंने लगाई है और मेरी छत पर क्या क्या है, ये जो मेरे पोर्च के ऊपर
की छत है, बस इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। इधर साल्विया की कुछ मैंने ट्रेज लगाई हैं, तो ये जो ट्रे है इसमें दोस्तों तीन तीन चार चार मैंने पौधे सैपलिंग्स लगा दी थी, तो देखिए कितने भर भर गई है पूरी ट्रे ही मेरी, और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि पौधे ने भी बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ लिया है। इधर कुछ सेक्यूलेंट्स पड़े हैं, उसमें वीड हो रही है, तो क्योंकि अभी इसका जो सीज़न है वो थोड़ा सा डोमेंसी का है, तो बस इनको तो बचाना ही इस टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा खाद पानी डाल देंगे तो फिर वो बारिश के कारण उसमें क्या होता है कि रॉट होने का खतरा रहता है, तो उसको मैंने बिल्कुल साइड में छुपा के रखा है। और आपको अब मैं ले आई हूँ अपनी बिल्कुल ऊपर वाली टेरेस पे। तो दोस्तों ज़्यादा तो यहाँ पर गमले नहीं हैं, लेकिन कुछ लगा था आज मुझे हार्वेस्ट करना था, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर कर लेते हैं ये। और एक ये देखिए बहुत ही छोटी गोभी है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी पालक की ट्रे है और पालक की दो ट्रे लगाई हैं दोस्तों। मतलब ज़्यादा तो नहीं होती है मतलब मुझे, लेकिन सूप्स वगैरह के लिए मुझे अच्छी लगती हैं लगानी ग्रीन वेजीज की। अगर मुझे चाहिए एकदम इमिडिएटली तो मैं जाऊँ ऊपर और 5-7-10 पत्ते ले आऊँ सूप्स में डालने के लिए। तो इस तरह से जो ये है, ये देखिए मटर कितनी अच्छी हो रही है, मतलब ये भी ट्रे में है लगा रखी थी और मटर अब बन गई है ये देखिए, क्योंकि फुल सनलाइट चाहिए होती है दोस्तों इसे चने को और मटर को, और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी छोटी बकेट्स में लगा रखी हैं, इससे हमारा काम चलता है नहीं, सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट होता है अपनी खुशी के लिए हम इस सब्जियों को लगाते हैं, हमारा पूरा तो काम नहीं चल पाता, लेकिन हाँ जितने गमले हैं उनको मैंने अच्छे से उनका यूटिलाइज किया है। ये देखिए ब्रोकली लग रखी है, तो ब्रोकली का साइज़ अभी छोटा है, आज मैं एक हार्वेस्ट भी करूँगी, क्योंकि ब्रोकली में क्या है अगर आप टाइम पे इसको हार्वेस्ट नहीं करते तो दोस्तों ये पीली पड़ जाती है और फिर वो बिल्कुल उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर आपकी मतलब गोभी लगाई है या ब्रोकली लगाई है तो उसको आप बिल्कुल टाइम पे इसको हार्वेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा लालच में मत रहिए, नहीं तो कई बार इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं, इसमें एक छोटा सा कीड़ा फ्लाइज टाइप होता है वो चिपक जाता है, तो बिल्कुल उसका जो आपने मेहनत करी है उसका मज़ा ही नहीं आता। तो ये देखिए साइज़ इसका अच्छा हो गया है ब्रोकली का, आज मैं इसी को हार्वेस्ट करने की सोच रही हूँ। तो फिर ये पहले आपको सारा ही दिखा देती हूँ कि क्या क्या लगाया है मैंने, उसके बाद मैं इसको हार्वेस्ट करती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारी ब्रोकलीज हैं। तो पिछली बार मैंने आपको, अगर मेरी आप वीडियोस लगातार देखते हैं, तो इनमें शिमला मिर्च लगाई थी और शिमला मिर्च बहुत बढ़िया हुई थी। तो दोस्तों अब मैं गर्मियों में फिर इसमें एक एक दो दो पेड़ शिमला मिर्च के लगाऊंगी, पहले मैं ब्रोकली इसकी हार्वेस्ट कर लूँगी उसके बाद। और ये सब देखिए कितनी अच्छी गार्लिक हो रखी है, लहसुन जिसे बोलते हैं, और ये जो आप मेरे ड्रम्स देख रहे हैं इसमें एक्चुअली फ्रूट के मैंने पेड़ लगाए हुए हैं। और ये देखिए फुल गोभी कितनी अच्छी, इसका जो हेल्थ है कितनी अच्छी हो रखी है इस पेड़ की, और उस हिसाब से अभी तो गोभी का साइज़ बहुत छोटा है, तो अभी देखते हैं इसमें कितना बड़ा साइज़ मुझे मिलता है, उसको भी जब हार्वेस्ट करूँगी आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से जो ये टब्स हैं और ड्रम्स हैं सॉरी, उनमें मैंने लगा रखा है, इसमें ये अनार का पेड़ है और साइड में मैंने इसमें गार्लिक लगा दी थी, तो जो थोड़ी सी भी जगह बचती है ना मैं वहाँ पर भी सोचती हूँ कुछ लगा दूँ, तो बस इसीलिए। और जो लहसुन के पत्ते हैं ये हमें नहीं मिल पाते हैं, यानी कि इसकी जो चटनी होती है लहसुन के पत्ते और धनियों की बहुत टेस्टी लगती है, अगर आपने कभी नहीं बनाई तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और लहसुन के पत्ते हमें बाज़ार में बिल्कुल नहीं मिलते, तो जो इसके पत्ते हैं या लीव्स हैं वो इसी मौसम में सर्दियों में होते हैं, और बहुत उसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही लहसुन के पत्तों के, लेकिन उसकी जो चटनी वगैरह होती है या आप उसको दाल वगैरह में छौंकते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये टमाटर का देखिए पेड़ हो रहा कितनी अच्छी इसकी भी हेल्थ है। तो इस तरह से दोस्तों आप अगर चाहें तो इनको भी लगा लीजिए, अभी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए हैं, तो अगर अभी भी लगाएंगे तो कुछ जो पत्ते हैं वो तो आपको मिल ही जाएंगे। और ये देखिए एक आड़ू का पेड़ है, ये हाइब्रिड आड़ू है और पिछले साल भी इसमें आड़ू लगे थे तो मैंने आपसे शेयर किया था, और अब मैं इन पौधों को जो मेरे नीचे थे ऊपर ले आई हूँ छत पर, मैंने इनको लगा दिया है। तो ये देखिए कलियाँ आने शुरू हो गई हैं इस आड़ू में, आपने आड़ू प्लम के अगर पेड़ देखे होंगे तो उनमें सबसे पहले पत्तियों से भी पहले फ्लावर्स आ जाते हैं और उसके बाद पत्तियाँ आती हैं। तो ये देखिए कलियाँ जो हैं, ये जब ये जो पेड़ है पूरे पत्ते इसने झाड़ दिए थे अपने सर्दियों में, और अब फिर दोबारा से इसमें कोंपले फूट रही हैं और छोटी छोटी कलियाँ और फूलों की वो बन रही हैं, तो यहीं पे फ्रूट लगेगा। तो दोस्तों खाने से ज़्यादा तो देखने में अच्छा लगता है ना,
और ये नीचे आपको गार्डन दिख रहा होगा मेरा, और ये मैं बिल्कुल आपको जो मेरी सेकंड फ्लोर की छत है वहाँ से ले आई हूँ, यानी जो मेरे घर का। और ये है देखिए टब्स भर भर के मेथी, और मेथी मैंने कई बार खा ली है दोस्तों। ये राई है, राई हमने बहुत हार्वेस्ट कर ली है और मैंने छोड़ दिया, तो उसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो देखिए अब इन फूलों को देखकर लगता है कि बसंत ऋतु आने वाली है। पीले पीले फूल जो पूरे खेत भरे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये हमारी दुनिया इन छोटे से टबों में है, और इन टबों में ही हम इन फूलों को देख के खुश हो जाते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये फूल, और ये है राई के फूल। और इस इधर मैं आपको लेकर आई हूँ, यह देखिए हरा धनिया लगा रखा है मैंने दो टब भर कर, तो आज इसको भी हार्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा आपके साथ। और इनको जब हम काटते हैं तो काटते काटते ही हरे धनिए की इतनी अच्छी खुशबू आती है, यही तो ऑर्गेनिक जो हम लगाते हैं घर में उसका कमाल है ना। बिना फर्टिलाइज़र का, बिना जितनी भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें ये बात नहीं होती। उसमें आप क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होती। तो घर में लगाने का बस यही फ़ायदा होता है कि चाहे आपने इसमें छोटे से गमले में ही धनिया लगाया लेकिन उसकी जो खुशबू है ना वो एक गड्डी या दो गड्डी जो धनिया उसके बराबर होती है। और ये देखिए हार्वेस्ट कर दिया मैंने ब्रोकली बातों ही बातों में, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका, देख रहे हैं आप कितना अच्छा साइज़ निकला है। तो बस फिर एक टाइम का तो काम हो ही जाएगा। बाकी ये कुछ पालक है, इनको भी मैं सूप्स के लिए काट रही हूँ। तो ये देखिए मेरे साथ कितने अच्छे इसके भी पत्ते हो गए। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं निकलती है लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इसको हार्वेस्ट करते रहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा, जितनी आप इसकी कटिंग करेंगे उतने ही ये निकलते रहते हैं। तो अभी हमने जैसे आज ले लिया है तो एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद फिर दोबारा से वो तैयार हो जाते हैं। ये कुछ लहसुन के पत्ते हैं, इनको भी मैं काट लेती हूँ क्योंकि आज इसकी मैं सोचूँ चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पर भी पालक के कुछ बीज गिर गए हैं, देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज़ का पालक हो रखा है। तो जब बहुत सारे टब में हम लगाते हैं बहुत सारे, उतने पत्तों की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती जितना ये एक दो बीज है जब गिर जाते हैं, तो इसके जो पत्तों का साइज़ है कितना अच्छा हो गया। और ये देखिए धनिया, धनिया तो बहुत ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है काटते काटते इसकी, ये देखिए। तो थोड़ा सा धनिया मैं लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, मतलब अगर मैं एक तरफ से जैसे काट रही हूँ ये धनिया तो दूसरी तरफ का छोड़ दूँगी, वो मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। और फिर यहीं से दोबारा रीग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक तरफ से हार्वेस्ट कर लीजिए, दूसरी तरफ का छोड़ दीजिए, तो आपका जो ये पूरा गमला है इस तरह आपको बराबर धनिया देता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर चाहें तो घर की चीज़ों से थोड़ा सा अपनी जो किचन गार्डन है उसे बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े गार्डन्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो आप बालकनी में या अपनी छत पर भी इस तरह से छोटे छोटे टब्स में अपनी जो किचन गार्डन है उसका शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।